हे गाइस, कैसे हो? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि काम करते वक्त हेल्पर को और ऑपरेटर को क्या क्या चीज़ का ध्यान देना चाहिए। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑपरेटर को क्या क्या चीज़ का ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले इधर मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मशीन के चारों तरफ घूम के आपको देखना है कि मशीन मतलब जगह यहाँ पे है कि नहीं, मशीन लगा कर एकदम आराम से काम कर सकते हैं कि नहीं, यानी कि जगह देखना है कि मशीन लगाने के लिए सही जगह है कि नहीं। उसके बाद आपको सीट पे जो बैठना है आपको ऐसे पूरा चिपक कर बैठना है। कितना ऑपरेटर को मैं देखता हूँ कि वो ऐसे बैठते हैं, तो आपको ऐसे करके नहीं बैठना है बल्कि ऐसे सीट में चिपक कर बैठना है। इससे ऑपरेटर लोग का हौसला बढ़ता है। उसके बाद जाके आपको मशीन स्टार्ट करना है। मैं आपको बताता हूँ स्टार्ट करके, स्टार्ट करके आपको आवाज़ सुनना है कि मतलब कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि आवाज़ से मालूम पड़ जाएगा कि कुछ गड़बड़ी हो रहा है क्या, ये आपको ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद आपको सभी फंक्शन को चेक करना है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। दिखाया वो ऐसा सेम करना होता है। उसके बाद काम करते वक्त आपको पूरा फोकस जो है काम पे होना चाहिए, बल्कि घर परिवार पे नहीं। इससे ये होगा कि कोई सा भी काम कैसे करें ये आपके माइंड में आएगा, इससे आप कोई सा भी काम आसानी से कर लीजिएगा अगर पूरा फोकस आपका यहाँ पे रहेगा। और आपको पूरा ध्यान देना है कौन आ रहा है, जा रहा है, नहीं आ रहा है, वो सब कुछ आपको एक ध्यान में रखना है कि कौन आगे से आ रहा है, कौन पीछे से आ रहा है, किधर मशीन लगा हुआ है, ये सब कुछ का ऑपरेटर को ध्यान रखना होता है। उसके बाद जब काम ख़त्म हो जाए तो आपको मशीन जो डायरेक्ट मतलब थोड़ा टाइम रुक के बंद करना है, डायरेक्ट ऐसे बंद नहीं करना है बल्कि 5 मिनट तक रुक के बंद करना। इससे क्या होगा, जो टर्बो होता है वो फेल नहीं होगा, लेकिन अगर आप जल्दी बंद कर दीजिएगा तो इसका जो टर्बो है ये फेल हो जाता है। अभी तक जो जो मैं आपको बताया वो ऑपरेटर के लिए था। अब मैं हेल्पर के लिए बताता हूँ कि हेल्पर को क्या क्या चीज़ का ध्यान देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, हेल्पर जब सुबह में पहली बार आया तो उसको चारों तरफ ये चैन जो है, चैन को देखना चारों तरफ से घूम के। मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके से चारों तरफ से घूम के देखना है। इससे ये आपको मालूम होगा कि कहीं पे मतलब लूज वगैरह तो नहीं है, कोई पिन वगैरह लूज तो नहीं है। ये आपको डेली ध्यान देना है, हेल्पर के लिए ये है। उसके बाद जाके ये जो स्विंग ऑयल होता है ये हेल्पर को पहले चेक करना चाहिए कि स्विंग ऑयल सही है कि नहीं, ये चेक करना चाहिए। उसके बाद जाके ये जो इंजन ऑयल होता है ये इंजन ऑयल आपको चेक करना है कि इंजन ऑयल बराबर है कि नहीं। उसके बाद ये देखिए कूलेंट ऑयल, ये भी चेक करना है, अगर ये कम होगा तो आपको डाल देना होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फैन बेल्ट जो है, इसको भी आप एक बार दबा कर देख ले कि फैन बेल्ट कहीं से मतलब थोड़ा बहुत टूटा उटा तो नहीं है या टूट तो नहीं रहा, ये सब आपको ध्यान देना है। उसके बाद जाके हेल्पर को ग्रीस मारना होता है। अगर मशीन इस तरीके से लगा हो तो बिना मशीन को स्टार्ट किए हुए ग्रीस मार सकता है, लेकिन अगर मशीन पूरा ऐसे बकेट ऐसे पूरा फैला हो तो आपको मशीन स्टार्ट करके उसके बाद इस तरीके से आपको क्या करना है कि बकेट को कर लेना है, उसके बाद जाके ग्रीस डालें। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे ये पिन में होल है और एडेप्टर नहीं है तो इससे ग्रीस भी बाहर आ जाता है जल्दी, तो इससे क्या है कि हेल्पर को बार बार ग्रीस मारना पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे कपड़ा या वेस्ट लेकर अंदर डाल दीजिए और ऊपर से थोड़ा ग्रीस लगा दीजिए, तो क्या होगा वो पैक हो जाएगा तो इधर से ग्रीस नहीं आएगा। और एक और चीज़ है, जैसे कि कभी कभी यहाँ पर सिम भी नहीं रहता है, ये लूज़ होता है, तो इधर से भी ग्रीस आता है। तो इधर क्या है कि आपको बोरी को मोड़ के ऐसे राउंड में लगा देना है, जैसे क्या होगा कि इससे इधर से भी ग्रीस नहीं आएगा, तो आपको बार बार ग्रीस नहीं डालना पड़ेगा। और एक और चीज़ है, जो छोटा वाला ग्रीस गन होता है उसमें ग्रीस जल्दी नहीं जाता है, थोड़ा सा ही डालता है आदमी, फुल हो जाता है तो एयर लेने लगता है बार बार, तो उसी से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये ग्रीस में पुराना इंजन ऑयल या डीजल हो वो थोड़ा सा मिला देने से क्या होगा कि वो ग्रीस है थोड़ा लूज़ हो जाएगा, तो उससे क्या है कि ग्रीस गन में आपका ग्रीस है बहुत ही आसानी से जाएगा, इसे एयर भी नहीं पकड़ेगा। उसके बाद हेल्पर का जितना काम हो मेंटेनेंस का वो सब हो जाने के बाद आपको मतलब जहाँ पे काम चल रहा है, जहाँ पे मशीन चल रहा है, वहाँ पे आपको ऑपरेटर के सामने, जैसे कि ऑपरेटर वहाँ पे काम कर रहा है तो आपको ऑपरेटर के सामने ही खड़ा रहना है, जिससे आपको ऑपरेटर के नज़र में हमेशा दिखाई दे, और उसके बाद जो ऑपरेटर बोले वो करे। उसका जब ऑपरेटर आपको चलाने के लिए दे तो अच्छे से चलाए, और जितना बार दे उससे बेहतर करे चलाने के लिए, तभी जाके ऑपरेटर आपको देगा। अगर आप ख़राब चलाइएगा तो बार बार नहीं देगा, लेकिन अगर आप अच्छे से चलाइएगा तो बार बार देगा। बाकी आप ऑपरेटर के साथ में रहिएगा तो धीरे धीरे आपको मालूम पड़ जाएगा, और सभी ऑपरेटर ही हेल्पर ही तो मेरे से ज़्यादा आप लोग भी जानते होंगे। इसीलिए यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं, और गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।